दोस्तों, राम की बगिया नामक चैनल में आपका सभी स्वागत है। ये देखिए मंडी बीला का पौधा है जो हमने कटिंग से ग्रो किया हुआ है और ये अब बड़ा हो गया। अब इसको रिपोर्ट कर देते हैं। ये वाइट वाला है। मंडी बीला भी अलमंडा की तरह कई फ्लावर उसका आता है। इसमें हमिंग बर्ड बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है, जिनकी चोंच लंबी होती है। वो उस तरह की बर्ड्स इस तरह के फूलों को हमेशा घूमती रहती है और जिनकी भी चोंच लंबी होगी, एक ब्लैक सी बड़ी स्लेटी कलर की आती है खूबसूरत सी, वो इन सब तरह की पेड़ों से परागराग खाती पीती रहती है। तो ये पौधा स्मेल इसके फूल में नहीं होती ज़रा सी भी। इसमें तरह तरह के फ्लावर्स निकलते हैं। एक तो रेड इसमें मिलता है, मैरून, येलो और पिंक और वाइट। तो पिंक, वाइट और येलो तो ये गर्मी क्षेत्रों में आसानी से लग जाते हैं, बट मैरून वाला और लाल वाले को लगाना बहुत कठिन है। वो जहाँ जब एक्सट्रीम गर्मी आती है या एक्सट्रीम जाड़ा आता है, उसमें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये मंडी बीला है और इसको हम रिपोर्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। इसमें जो है कोई ज़्यादा मिट्टी वैसी नहीं चाहिए, बस पोरस होनी चाहिए। 40% गोबर की खाद और 40% मिट्टी, 10% इसमें कोको पीट मिला दीजिए और 10% में नीम खली वगैरह डाल दीजिए, बस सफिशिएंट का। ये है, अब इस मंडी बीला को लगाएंगे थोड़ी जगह, इसमें से डाल देते हैं। हमने इस तरह दो डंडियाँ इसमें लगा दी और इसमें जो है थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। इस मिट्टी में हमने 40% खाद डाली, 40% गार्डन सॉइल और 10% रेत, बाकी 5% में हमने नीम की खली और साथ में बोन मील, यही तीन चीज़ें डाली। कोई भी केमिकल नहीं डाला इसमें। केमिकल ऐसा नहीं, केमिकल डाला जा सकता लेकिन हम नहीं डालते फिलहाल। और ज़रूरत पड़ेगी इसको अगर पाई दिवे सिम्टम बेस तो हम इसको ज़रूर खिलाएंगे। कोशिश करेंगे कि ना खिलाने का मौका मिले। इस प्रकार से पौधा देखिए ऐसे बन गया है। या ऐसे हम ऐसे लगा देंगे इसको, एक डाल भी और बांधेंगे इसमें ऐसे, और इसमें पानी डाल देंगे बढ़िया तरीके से। बस ये मंडी बीला हमारा मंडी बीला हो गया। देखिए ये मंडी बीला बहुत ही खूबसूरत फूल देता है। ये वाइट वाला है, कटिंग से लगाया था और इसके फूल जो हैं वो टम्पंट, एक जो बाजा बजाने वाले बैंड वाले वो इस तरह तक का होता है, इसको हमिंग बर्ड ज़्यादा पसंद करती हैं। लाल फ्लावर को बचाना बहुत मुश्किल है, मैरून भी मुश्किल है, पिंक चल जाता है, येलो तो जगह जगह मिल जाता है। और इसकी जैसे ये यहाँ तक आ गया, इसको काट देंगे यहाँ से, कि अगर ये ग्रोथ होता रहेगा तो फ्लावर नहीं आएगा इसमें। हालाँकि अभी इसको तो ग्रोथ चाहिए, कभी थोड़ा सा फिट कर देंगे और आपको फिर अपडेट देते हैं। देखिए बहुत अच्छा फ्लावर है, इसको आप लोग लगाइए। बस इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और एक्सट्रीम गर्मी में शेड में रख दीजिए और एक्सट्रीम जाड़े में थोड़ा पानी कम दीजिए और ये चलेगा। बस इसने पत्तियाँ भी नहीं छोड़ी, देखिए किसी कोई जाड़े में पत्तियाँ नहीं छोड़ी, ना कोई पत्ती पीली हुई है, कटिंग से ग्रो किया था। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, राम की बगिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। हम आपको इसी तरह की जानकारी और देते रहेंगे। ये मंडी बीला है वाइट।